पवित्र हजूरी अंदर मन करके तन करके हाजरियां भर रही गुरु प्यारी गुरसवारी सत संगत जी, सतगुरों की अपार बख्शिश हुई है जो अमृत वेले की दात सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश की है। सो जिथे गुरमत समागमों मुख रख के श्री अखंड पाठ साहब जी के जाप चल रहे ने, जो सरवण कर रहे हाँ अमृत वेले मुख रख के अमृत वेले दियां पावन पवित्र बाणियां सरवण कीतियां ने, सतगुरों के दर्शन दारे कर रहे हाँ। सो आओ गुरु सवारियों, हुण चल रही गुर शब्द की लड़ीवार विचार दे नाल सांझ पाउण दा सुभाग समां सतगुरु पातशाह जी ने बख्शा है। सो इस वेले की हाजरी युगो युग अटल, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र चरणां चलवाइए। प्यार सहित फतेह की सांझ पाओ, कहो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही पावन पवित्र लड़ीवार विचार दे विच इन्हें दिनी राग कानड़ा महला पंजवां, कानड़ा राग विच दर्ज पावन पवित्र बाणी जो पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी द्वारा उच्चारण कीती हुई है। इस पावन पवित्र बाणी दे उच्चारण सरवण कर रहे हैं। कल दे रोज तक जो कल शब्द बख्शिश होए राग कानड़ा महला पंजवां घर अठवां, अज वाले शब्द कानड़ा महला पंजवां घर नौवां। महला पंजवां ही है गुरु अर्जन देव महाराज जी की पावन पवित्र बाणी। इस पावन शब्द नूं छेवें घर वाहिगुरु नौवें घर दे विच गाउण दी हदायत सतगुरु पातशाह कर रहे हैं नौवें सुरताल दे विच। सो सतगुरु पातशाह रहमत करन, आओ अज दी पावन पवित्र विचार आरंभ करन तो पहला मन बिरतियां नूं करो जी एकागर, देवो असीस कहो जी नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। सतनाम वाहिगुरू साहिब जी, कानड़ा महला पंजवां घर नौवां, तांते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ काखरो, मोह मगन अहंताप तांते जाप मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरो, मोह मगन अहंताप रहाओ, जो राते माते संग बपुरी माया मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरै जिसे उधार हो आप, बिनस जाए मोह भय भरमा नानक संत परताप, नाम जपत सो जन उदरै जिसे उधार हो आप, बिनस जाए मोह भय भरमा नानक संत परताप। सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज, शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह अज दे जो पावन पवित्र शब्द की बख्शिश कर रहे हैं, इस शब्द के रहाओ वाले बंद ने तांते जाप मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरो,
मोह मगन अहम ताप। सतगुरु अज इस पावन शब्द दे विच सानू प्रेरणा कर रहे हैं कि अपने मन नूं इस समझावो हे सत्संगी जनों कि इस वास्ते परमात्मा का नाम जपना है, तांते तो भाव हुंदा आ इस वास्ते, इस लई क्यों जपना, क्योंकि जो संत वेद तो भाव है गुरु की बाणी, संत भाव गुरु, वेद तो भाव है बचन बाणी। जो गुरु के बचन सानू ये दस रहे हैं कि गुरसिखी का मार्ग बड़ा औखा, बिखड़ा बिखम है, गाखरों तो भाव हुंदा औखा, इस करके जपना। नाल ही इस रहाओ वाले बंद सतगुरु पातशाह कहिंदे आ कि ऐ मन तेरी की हालत बनी हुई है, मोह मगन अहंताप, पैंदल जां औखा पैंडा तय करना हो, बुखार चढ़िया हो, तां सफर करन वाले नूं पता हुंदा आ कि सफर किवें कीता जा रहा। हुण असीं गुरसिखी के मार्ग ते चलना आ, पर ताप चढ़िया होया हंकार का, मगन हां मोह दे विच, फिर इस गुरसिखी के मार्ग उत्ते किवें चल सकदे आ। इस मार्ग के उत्ते चलण वास्ते जरूरी है कि पहला जो सानू ताप चढ़िया होया है हंकार का, जो असी मोह विच मगन हाँ, उहदा प्रभाव साढ़े जीवन चों दूर होए, फिर इस औखे मार्ग पर चल सकते, वरना नहीं चलिया जा सकता, औखा है चलना। सो गुरदेव अज के विचार बख्शिश कर रहे हैं, कानड़ा महला पंजवा घर नावा, तांते जाप मना हर जाप, हे मेरे मन हौमे दे ताप तो बचना चाहना है ना, तो इस वास्ते परमात्मा का जाप कर, परमात्मा का सिमरन कर। कल भी काफ़ी विस्तार हौमे दे प्रथाए सतगुरु पातशाह ने विचार द्वारा बख्शिश किया कि एक कितना वड्डा रोग है हौमे, दीर्घ रोग है, दीर्घ तो भाव हुंदा बहुत वड्डा रोग, छोटा जिहा रोग नहीं है हौमे, जिन्हों लग जाता है उहदे वास्ते इस रोग तो छुटकारा असंभव हुंदा, बहुत औखा हुंदा। से छुटकारा उहनूं हुंदा जदों गुरु की बख्शिश होवे, जिन्ना चिर गुरु की शरण च नहीं आउंदे, गुरु की बख्शिश नहीं हुंदी, उन्ना चिर ये रोग दूर नहीं हुंदा, पर जे गुरु की शरण च आ जाइए फिर दूर हो जाता है। क्योंकि सतगुरु अगे फिर कहिंदे दारू पी समाहे, इहदा इलाज भी इहदे विच ही छुपिया होया, किस विच, बाणी दे विच। सो इस वास्ते सतगुरु कहिंदे कि तू परमात्मा का सिमरन कर, तांते जाप मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरो, जो गुरु की बाणी, गुरु अपने वचना दे राही बाणी दे राही सानू दस रहे हैं कि पंथ औखा गाखरो है, भाव बिखम है, इहदे उत्ते चलना बड़ा औखा है, इहदे वल ध्यान दे। सतगुरु बख्शिश करते हैं कि जो संत वेद कहत पंथ गाखरो, कहते हैं कि यह औखा मार्ग है, इहदे वल ध्यान दे, जे ध्यान नहीं देवेगा तो चलना औखा है, एक कदम भी नहीं चल पावेगा, जां एक कदम अगे एक पिछे, एक कदम अगे तुर पिया हौमे ने फिर धक्का मारिया फिर पिछे, इस तरीके का सफर करने वाला भी बंदा मंजिल ते नहीं पहुँच सकता। क्योंकि जे अगे मंजिल ते पहुँचना है तो अगे वधना पैंदा, कदम अगे पुटने पैंदे। भाई गुरदास जी इस मार्ग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, वो कहते हैं कि गुरसिखी बारीक है, खंडे धार गली अत भीड़ी, गाखरो मार्ग क्यों है, औखा क्यों है, बिखम क्यों है,
भाई गुरदास जी इस वचन को खोल रहे हैं। ता ही तो भाई गुरदास जी की पावन बाणी भाई गुरदास जी दारा गुरबाणी की पूंजी कहा गया है कि जिहड़ी गल सतगुरु ने रमज कही है भाई साहब जी ने उस रमज न खोलिया है। कई वचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के इवें ने जिमें बदाम की गिरी तो है पर उस सख्त खोल के अंदर है, तो जे असी वह गिरी प्राप्त करनी है तो फिर सानू बदाम का सख्त खोल खोलना पैंदा, उहदा कवच कवर हटावांगे तां गिरी प्राप्त होगी। सो साडी मत बुद्धि इतनी तीखन नहीं कि असी इन्हां वचनां नूं रमज भरियां वचनां नूं खोल सकीए, कि जिवें किसी जिंदरे नूं ताले नूं खोलण वास्ते तब चाबी जरूरी हुंदी है, कुंजी जरूरी हुंदी है, इस तरह इस विचार नूं खोलण वास्ते भी भाई गुरदास जी दीआं पावन वारां विचलियां पौड़ियां रूपी कुंजी दा होना बहुत जरूरी है। गाखरो भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि गुरसिखी बारीक है, कितनी क बरीक है गुरसिखी, खंडे तार खंडे दी तार वर्गी, गली अत भीड़ी, जिदा अत दी भीड़ी गली होवे इदां दी गुरसिखी है। फिर कहिंदे आ कि उथै टिकै ना पुनहना, चल ना सकै उपर कीड़ी, इतनी तिखी धार है कि उत्थे किसी इंसान का चलना तो दूर वो उत्ते मच्छर भी नहीं टिक सकता, पुनहना कहते हैं मच्छर, तो ना ही उस खंडे धार मार्ग के उत्ते कीड़ी चल सकती है, दोवें पटे जाएंगे टुकड़े हो जाएंगे इतने हौले जे जीव दे भी वह भी नहीं उहदे ते चल सकती, इतनी गुरसिखी बरीक है। फिर कहिंदिया वालों निक्की अखी है, वाल तो भी निक्की है, सब तो छोटिया चीज़ा दिया उदाहरण इस पावन पंक्ति भाई गुरदास जी ने दित्तियां दो, एक तो वाल दी ते दूसरी तिलां दी। आपां कहिंदे ने तिल मात्र, तिल मात्र तो भाव हुंदा कि सब तो छोटा आकार, कहिंदे ने कि वालों निक्की आखी है, ये वाल तो निक्की कही जाती है, तेल तिलहों लै कोलू पीड़ी, ये विच इतनी कई बार तपस्या करनी पैंदी है, इतनियां परखां विचों निकलना पैंदा जिवें तिलां चो तेल कढ़ना होवे कोलू च पीड़ के। असीं ते छोटियां छोटियां मुश्किलां तों घबरा जांदे आं, चित डोल जाता, निराश हो जाते हैं, गुरु के चरणों तो दूर चले जाने हैं, पर जिहड़े रब के प्यारे होंदे आ उह तिलां वांग कोलू च पीड़े भी जाते आ फिर भी वह इस मार्ग को नहीं त्यागते। बहुत ऐसे शहीद ने जिन्हां नूं दुष्टां ने जालमां ने कोलू विच पीड़ के शहीद किया, बाबा मोती राम जी मेहरा सिख, क्यों बाबा मोती मेहरा करके उन्हों का नाम होता इतिहास के, कसूर की है कि माता जी के साहबजादों को दुध छकाया, तो जो पता लगता है पूरे परिवार को बाबा मोती जी दियां अखां दे सामने पहलों कोलू विच पीटदे आ, तो उदों उहदे तों बाद बाबा जी नूं भी कोलू च पीट के शहीद कर दिंदे, जिवें तिल पीड़े जाते आ। पर ना ही किसी परिवार के मैंबर ने सी तक मुख चों उचारी उफ तक आख्या, तो ना ही बाबा जी ने उन्हां दी शहादत दे ना अपनी शहादत दे वेले सी तक मुख चों पुकारिया। यह तिलां वांगू तेल कढ़न दी मानद कोलू विच पीड़े जाने, इतनियां वड्डियां मुश्किलां तो नहीं साढ़े होंगे जो साड़ी मत के अनुसार मुश्किलां ने, उन्हां दे वास्ते तां ये बहुत
एक उत्तम कार्य हो गया ना शहीदों वास्ते कि असी गुरु के लेखे लग जाते हैं, पर साड़ी मत के अनुसार ये किरिया बहुत तकलीफ देह है। परिवार का समाप्त हो जाना तो इतने भयानक तसीहे दे के शहीद कर दिता जाना। सो इस वास्ते भाई गुरदास जी कहते हैं कि एक तो वालों निकी है, वालों निकी आखी है तेल तिल हो लै कोलू पीड़ी। फिर कहते हैं गुरमुख वंशी परमहंस खीर नीर निरनौ चुंज बीड़ी। कहते हैं कि जेडे गुरमुख ने ना जिहड़े इस मार्ग ते चलदे आ वह किवें चल पाउंदे आ, क्योंकि वह परमहंस ने। एक हंस हुंदा एक परमहंस हुंदा। हंस मान सरोवर ते रहिंदा आ ते मोती उहदी खुराक हुंदे आ, बंगले वर्गा हुंदा पर बंगले वर्गी खुराक नहीं उहदी। परमहंस उहदे तों वी अगे हुंदा आ, इहदी चुंझ दे विच खासियत होंदी है कि यह नीर नालों दुध ते दुध नालों नीर वखरा कर दिंदा, फुटियां छक लैंदा ते पानी छड़ दिंदा। इदां दा होवे गुरमुख गुरसिख जिहड़ा परख करनी जाणदा होवे फिर वह चल सकदा आ। गुरमुख वंशी परमहंस खीर नीर, खीर तो भाव हुंदा है दुध, नीर तो भाव पानी, निरनौ भाव निस्तारा करना, निर्णा करना, फैसला करना, परख करनी। चुंझ वीड़ी, चुंझ वीड़ी तो भाव है कि उहदी चुंझ दे विच ये विचार रूपी चुंझ हुंदी है गुरमुखां दी, विचार रूपी चुंझ भाव वह अपने मुख दे नाल गुरु के वचनां नूं विचारदे आ ते कुमार्ग ते नहीं चलते, कुमार्ग तो पाप पुठा रस्ता नहीं इख्तियार करते। फिर अगे कहिंदे आ सिला अलूनी चटनी मानक मोती चोग नेबीड़ी। गुरसिखी अलूनी सिख से लिया, इत्थे संसारक वड्याई दी मानद साडा धन वेख के जां साडा नाम वेख के साडा रुतबा वेख के एकदम उस्तत नहीं होने लग पैंदी। इस मार्ग ते चलना है ना ते आपे नूं मारना पैंदा है। जे असीं चाहुंदे आ ना कि साडी संसार वर्गी शोभा होवे फिर संसारक काम ही करने चाहीदे आ, फिर निरंकार दे मार्ग ते चलण बारे सोचना भी नहीं चाहीदा। क्योंकि इत्थे तां कई वार ऐसा भी हुंदा आ कि बहुत कुछ चलना पैंदा, अलूनी सिर चटनी पैंदी, निरस्वार्थ होकर चलना पैंदा। गुरसिखी दे मार्ग ते चलदा जदों आपां कोई संकल्प लैंदे आ ना, संकल्प तो भाव कि अपने मन दे नाल कौल कर लैंदे आ गुरु दे सामने, गुरु दे नाल कौल कर लैंदे कि सतगुरु पातशाह असीं आ नेम निभावांगे, जे गुरु की कृपा होवे फिर निभ सकदा, नहीं तो बड़े बड़े नेम जिहड़े आ ना वह भंग हुंदे वेखे आ। कई वार गुरसिखी के कार्य बड़े उत्साह दे नाल चाचा नाल शुरू कर लिया जाते आ पर वह निपरे नहीं चढ़ पाते, राह च ही रह जाते अदवाटे। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि साढ़े मन में यह होंगी है कि असं यह काम करा साड़ी उस्तत हो गई, साड़ी शोभा हो गई। वो गल वक्री है कि सतगुरु कहिंदे सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे जहान। वो उस अवस्था की गल है जदों असी गुरु के चरणों के नाल परवाने जाने, चरणों के परवाने जाने नाल दी नाल लोकां विच दुनिया विच भी परवाने जाने। तो संसार ने तो उन्होंने बहुता करके परवाने ही नहीं है जिहड़े गुरु के रब के दर से परवाने गए आ। संसार का तो विरोध ही रहा है ऐसे भगतों के नाल संतों के नाल, ताही तो किसी सूली से चढ़ा दिता, किसी की पुठी खल ला दी, किसी तरती तवी पर बिठा दिता गया, किसी उबल की देग च उबाल दिता गया, किसी धरती च गड के कई तरह के तसीहे दे के मारिया गया। भाव बेअंत बिरतांत ऐसा मिल जाएगा जो असी इस मार्ग से चलन वाले की कहानी पढ़ा।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਅਲੂਣੀ ਸਿਰ ਚਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ, ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਚੱਟਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਐਸਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ ਔਖਾ ਬਿਖੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਆ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਸ ਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਾਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਰਥ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਮੀਤ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ, ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਥੀ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਭੱਠ ਵੀ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੈਰ ਦੇ ਨਹੁੰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੱਕ, ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਖਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਦਿਆਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਆ। ਅਲੂਣੀ ਸਿਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਟਿਆ ਸਿਰਫ ਲੂਣ ਹੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਲੂਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲੂਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਸੀ ਸਿਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਟਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਲਾ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟਣੀ, ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਚੋਗ ਨਿਵੇੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਦੇ ਆ। ਨਿਵੀੜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚੋਗ ਚੁਗਣੀ, ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ ਝੀੜ ਉਹ ਝੀੜੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗਾਖੜੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ, ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਆਸ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਆਸ ਨਿਰਾਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੀੜ ਉਹ ਚੀੜੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ,
क्योंकि कई बार असी उस चीज़ के लायक नहीं होंगे, कई बार उस चीज़ सानू मिलने का समा नहीं होंगे, तो जो नहीं कुछ प्राप्त होंगे फिर असी निराश हो जाते, साढ़े मन में सट बज जाता कि सानू आ चीज़ क्यों नहीं प्राप्त हो। फिर कहते हैं सहज सरोवर सचखंड साध संगत सच तख्त हरीड़ी। कहते ने कि सहज सरोवर ऐसे मत दे धारने जेड़े आ सहज सरोवर, केड़ा सहज सरोवर सचखंड, केड़ा सचखंड साध संगत, क्योंकि सतगुरु लियांदे सानू साध संगत ते, जिवें भाई गुरदास जी लैके आ रहे हैं मार्ग ते चलन की गल करते, किवें चलना वह दस रहे, किहड़ी सोच दे धारनी होना चाहिए वह दस रहे। ते फिर कहिंदे आ कि सहज सरोवर सचखंड साध संगत सच तख्त हरीड़ी। ये सच्चा तख्त है कि हरीड़ी, हरीड़ी तो भाव है हरी का, परमात्मा का, रब का। ता ही तो साध संगत करने वास्ते सतगुरु सानू प्रेरदे ना कि साध संगत करया करो, क्योंकि एक तो यह सहज सरोवर है। वेखो जे साडा मन ना ना दौड़े जिथे सानू कोई उठने वास्ते नहीं कहिंदा कि जाओ भी हुण अपने घर जाओ, ना ही सतगुरु सोचदे कि हुण जांदे क्यों नहीं है, साडा ही नहीं ना मन टिकदा असीं छेती जाना चाहुंदे। पर सतगुरु हुण वेखो कल दे रोज़ तों अखंड पाठ साहिब चल रहे आ, सत्संग ते निरंतर चल रही, भावें कल का जो आरंभ होया, भावें कल का ही कोई इतने बैठ के सतगुरु के चरणों की मौज माणता रहे, तो किसी आखना कि तू जाता क्यों नहीं, तो कोई जिन्ना मर्जी साडा रिश्तेदार आ जाए ना नेड़े तो नेड़े वाला, तो थोड़े चिर बाद साढ़े मन च आना शुरू हो जाता है, पता नहीं इन्हें रहना कि चले जाना, पता नहीं इन्हें किन्ना चिर रुकना। जे एक दिन रह पावे फिर आप अगले दिन सोचने लग पे पता नहीं इन्हें अज रहना कि चले जाना। पर सतगुरु ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि यह सहज सरोवर है, इतने जिन्ना मर्जी टिक के बाणी का आनंद लो। ऐसे गुरसिखां का जीवन आप अक्सर पढ़ते सुनते रहने, जिहड़े ज्यों गुरु दरबार में आते अपने आखिरी सुवास तक सतगुरु के चरणों च रेंदे। आ पिछले दिन ही बाबा बुढ़ा साहिब जी का आप जीवन पढ़िया सुनया, पुरब जो मनाया गया 12 साल की उम्र च, 12, 12.5, 13 के लगभग मिलाप हों, 125 साल लगभग उम्र उन्होंने संपूर्ण इतिहास मुताबक मिली गई है। तो ज्यों तो गुरु नानक साहब महाराज जी के चरणों च आ जाते अपने आखिरी स्वासे भी उदों देंदे जो मीरी पीरी के मालिक छेवें पातशाह गुरु अरगोबिंद साहब महाराज बाबा श्री चंद जी भी उदों तक शरीर करके ने, जदों वह रामदास की धरती से उन्होंने कोल जाते, क्योंकि उन्होंने अंतिम किरिया भी गुरु नानक साहब महाराज जी के कर कमलों तो मंगी सी कि तुसीं खुद साड़ी अंतिम किरिया कर, ते छेवां जामा आ गया वेख लो गुरु नानक साहब महाराज जी तो लैके, ते छेवें जामे दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी ने खुद उन्हां दी सारी अंतिम क्रिया की। सो इस करके सहज सरोवर है, किन्नियां पीढ़ियां नाल नाल गुजर गईयां होणगियां। ऐसिया उदाहरण दो होर ने, वैसे तो बहुत होणगियां पर जो ज्यादा प्रचलित ने, जिवें भाई दोदा जी है करतारपुर साहब विखे मिलते, वह भी वेखो उन्होंने आख्या कि जो मैं चाहवां उदों चढ़ाई करा, तो पता नहीं किन्नवीं पीढ़ी सी, तो उन्हें की करना भी बजुर्ग का दोदा जी का मंजा अंदरों बहर तो बहरों अंदर कर देना, प्रशादा पानी दे छकना। तो एक दिन पता नहीं पटपोत नौ के पता नहीं कौन होगी गांह की गांह, उन्हें पूछ लिया अपनी सास को कि बजुर्ग कौन ने जिन्हों आप इस तरीके सेवा करते हैं कि अंदरों बहर तो बहरों अंदर तो प्रशादा पानी दे छड़ते हैं। वो कहती पता नहीं, मैं भी जदों की ब्याही आई हाँ मैं भी इदा ही सेवा कर रही हाँ, तो मैं अपनी सास को भी पूछा सी, वो भी कहती सी कि मैनू नहीं पता, बस इदा सेवा करते हैं आप। तो फिर आप खुद उन्होंने कहा कि महाराज हुण लै जाओ हुण जाना चाहुंदे। इस करके भाई गुरदास कहिंदे सहज सरोवर है,
गुरु की साध संगत। इत्थे साडा मन काला पै जावे तां वक्री गल है, पर गुरु साहब सानू अपने तो दूर नहीं करदे। टिकिया होया सरोवर है सहज सरोवर, सचखंड क्यों नहीं सचखंड की लोड़ सिख नू, किसी होर सचखंड की स्वर्ग की कह लो, क्योंकि सिख पहला ही सचखंड दे विच है। किहड़े सचखंड? खंड दे विच सचखंड वसै निरंकार। जिहड़े सतसंगत रूपी सचखंड विच निरंकार वसदा, निरंकार विराजमान है, सुभायमान है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। हुण आपां कहांगे की सबूत है, ते सबूत ते सब नूं बाणी जी दिंदे आ कि वाहो वाहो बाणी निरंकार है। ते फिर सिख होया ना कि जिउंदे जी सचखंड दे विच, ते सतगुरु कहिंदे आ, भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि सहज सरोवर सचखंड साध संगत, किते भुलेखा ना खा जायो। किनू सचखंड ते सहज सरोवर कहिंदे आ? सत संगत, जिथे साध संगत, जिथे गुरु की बाणी के द्वारा सतसंगत होंदी है। सच तख्त, दुनियावी तख्त झूठे ने। इत्थे अजे तक ना कोई नहीं ऐसा होया जिहड़ा ज्यों राज उहदा शुरू होया ते खत्म ही ना होया होवे, सारे राज खत्म हो जाते हैं। पर आपां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं चवर छतर तख्त का मालक कहिंदे आ। ये तख्त सदा सलामत है, ये कदे हिलदा नहीं, इहनूं कोई होर मल नहीं सकदा। क्यों? क्योंकि निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु खुद इस तख्त ते निवास करदे आ, ते इस तख्त दे मालक ने। सच सच तख्त हरीड़ी, भाव हरी दा तख्त, परमात्मा दा रब दा तख्त। ते इहदे तक पहुँचना किवें? चढ़ इक ही पत पौड़ियां, निरंकार गुर शब्द सहीड़ी। वी विश्वे संसार गिणिया गया ते इकवीं पौड़ी है पत पवड़ियां, पति दे बख्शिश वालियां पौड़ियां। जदों संसार तों उच्चा उठ के असीं पति दे तक पहुँचने वालियां पौड़ियां चढ़ांगे, उदों वी तों इक ही होवांगे। वरना असीं वीआं दा ही हिस्सा, भाव जो संसार है वी विसले गिणिया गया। सो भाई गुरदास जी कहिंदे आ कि चढ़ इक ही पत पौड़ियां, निरंकार गुर शब्द सहीड़ी। कहिंदे ने कि जिहड़े परमात्मा दे प्यारे ने गुरु दे शब्द नूं सहेड़दे ने, भाव धारण करदे ने, जपदे ने, ते जिहड़े जपदे ने गूंगे दी मिठाई है, अकथ कथा विस्माद बचीड़ी। कहिंदे ने कि गूंगे की मिठाई खाण दे वांग है, इस आनंद नूं उही मान जाणदे ने जिहड़े इहनूं मानदे आ। ये अश्चर्य दी अकथ कथा है, ये जिहड़े बचन ने ना, ये अकथ दी उस परमात्मा की अकथ कथा है जिन्हों को कथन नहीं कर सकता। अखीर कहिंदे आ गुरमुख सुख फल सहज अलीड़ी। जिहड़े गुरमुख ने इस आत्मक सुख का आनंद सहजे ही मानते हैं, अलीड़ी तो भाव है कि लै रहे ने, वो इस सच के आनंद परमात्मा के नाम बाणी के आनंद सहजे ही मान रहे हैं। हुण जिहड़े मार्ग को सतगुरु पातशाह ने गाखड़ो आख्या, वो औखा किहदे वास्ते है? जिहड़े साडे वर्गे संसारक वृत्ति वाले ने, जिहड़े गुरमुख ने इस मार्ग उत्ते सहजे ही चल जाते हैं, उन्हां वास्ते मार्ग औखा नहीं है। क्योंकि वो भाई गुरदास जी जितना आपां विचार सरवण कीती है ना, ये सारी इस बचन दे प्रथाई है जिहड़ा आपां सरवण कर रहे हैं। सो गुरदेव बख्शिश करदे ने, जो संत वेद कहत पंथ गाखरो, जो गुरु दे बचन कहिंदे आ कि मार्ग बहुत औखा है, मोह मगन अहंताप रहाओ। कहिंदे ने कि दूसरे पासे है मेरे मन तेनों मोह, तू मोह च मगन है ते तेनों हंकार दा ताप भी चढ़िया होया आ, फिर इस मार्ग ते किवें चल पावेगा? रहाओ दा विश्राम दे के बख्शिश करदे ने।
जो राते माते संग बपरी बपरी किंदिया विचारी कौन विचारी माया किंद ने कि जेड़े माया दे विच रते हुए ने मस्त ने इस विचारी दे नाल क्योंकि ये भी विचारी है ये वस च नहीं हैगा कि तुहाडा जीआं दा साडा जीआं जीवां दा कोई सवार सके ये भी निर्बल है इनू भी गुरु की रब की बख्शिश के नाल ही माणिया जा सकता है ये रस में नहीं तो मोह च मगन रहांगे मस्त रंग रहांगे ये पर सुख नहीं दे सकते कुछ प्राप्ति नहीं करा सकते। सो गुरदेव बख्शिश करते हैं कि जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप वो माया दे मोह करके हमेशा ही संताप हंडाते रहते भाव उन्हां दे जीवन में कदे खुशी सुख नहीं आता संताप तो भाव ही यह है कि दुख दे विच रहना संताप च रहना हर वेले हिरदा तपदा रहना। सो गुरदेव बख्शिश करते हैं क्यों है क्योंकि जीव माया दे विच रत्या होया है माया दे मोह दे विच मस्त है। जो राते माते संग बपरी माया मोह संताप नाम जपत सो जन उदर है नाम जप के उही जन तर सकते हैं क्योंकि आप ऋषिया मुनिया का इतिहास पढ़ते रहने कई ऐसे भी होए ने जिन्हों की कई कई योग की भगती है जिमें गुरद्वारा संतोखसर साहब है उत्थे जो संतोखसर सरोवर का निर्माण सतगुरु पातशाह करवा रहे सन तो उतो एक बहुत बड़ा मट निकलता जिदे विचों एक ऐसा साधु निकलता है जिन्हें किसी वेले किसी युग के पिछले युग के सुन के तो सोच के समाधि ला ली सी कि कलयुग गुरु नानक साहब महाराज जी कृपा करनगे मुक्ति का दान बख्शिश करनगे तो कहिंदे ने उन्हें अपने स्वासे रोक लए सन ते कई युगों की लंबी समाधि लंबी भगती उन्होंने की समाधि ला ली तो सतगुरु पातशाह जी ने आप कृपा करके उन्होंने समाधि खोली तो उन्होंने उद्धार किया कितनी लंबी तपस्या असी तो चार दिन करके जप जी साहब का पाठ कहने कि सानू कोई प्राप्त नहीं होया इतने तो बड़ी बड़ी लंबी भगती वाले ने बड़ी बड़ी लंबी बंदगी वाले इस पंक्ति सतगुरु पातशाह कहिंदे आ कि नाम जपत सो जन उधरै नाम जप के भी उही जन तर सकदे आ जिसे उधारो आप जिन्हों तुसी आप तारोगे उही तर सकदे आ। सदियां भगती करके भी उन्हां चिर नहीं तरिया जा सकता जे रब परमात्मा ना तारे लंबी तपस्या करके भी सिख दी ना सेवा करन दी बड़ी जरांद हुंदी सी पहले गुरु काल दे समय आपां कई तरह दियां साखियां सरवण करदे हां कि सिख ऐसे सन कि गुरु दरबार विच आ के ना उन्हां ने सेवा करन लग पैना ते जदों सेवा वेखणी ते सतगुरु ने पुछना भाई इह सेवा किहने कीती है फिर सिखां ने दसना महाराज एक सिख टिक्या होया बड़े चिर दा तुहाडे चरणां दी संगत दी सेवा कर रिहा जिवें भाई बहलो जी बाबा आदम जी बहुत साखी ने ऐसी सेवा करन लग पए ते मन दे विच इह भावना बना ली कि गुरु साहब जिदन आवाज़ मारनगे ना उदन ही सतगुरु पातशाह जी अगे पेश होना आ खुशी लैण वास्ते ते जो सेवा वेखी सतगुरु पातशाह ने आप पुछ लिया भाई किन्ने सेवा कीती है ते जिहड़े भी सिख दी साखी असी पढ़ लो उन्हें यह नहीं आख्या कि महाराज मैं की ना जिर सेवा उन्हें आख्या महाराज तुसी करवाई तुहाडी कृपा दे नाल ते इतों तक भी साखियां दे विचों पढ़न सुनन मिलता आ कि सतगुरु ने बार बार कुछ देने वास्ते वचन किया कि असी तुहानू की देईए एक दे हुंदा ना कि असी मंगदे हां कि असी गुरु कोलों की लैना लिस्ट साडी हुंदी आ ते एक समा ऐसा आ जाता है कि गुरु कहिंदा है कि दस सिक्खा की लैणा जी
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਦ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੈ ਦਈਏ, ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕੁਮਲਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਏ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਰੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਤ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਤ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਲ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹੀ ਜਨ ਤਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਤਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਅਤੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭਾਵਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਸੰਤ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਤੋਂ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਭੈ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਗਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਗਣ ਵਿਸਰ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਗਾਖੜੋ ਹੈ, ਭਾਵ ਔਖਾ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਹਿਲਾ ਆ, ਸੌਖਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਤੇ ਜਾਪ ਮਨਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਸੰਤ ਬੇਦ ਕਹਿਤ ਪੰਥ ਗਾਖਰੋ, ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਤਾਪ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੋ ਜਨ ਉਧਰੈ, ਜਿਸ ਉਧਾਰ ਹੋ ਆਪ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਮੋਹ ਭੈ ਭਰਮਾ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ,
अपने दरों करों गुरसिखी नामदान की दात बख्शिश करन जी बाणी अते बाणे दे नाल प्यार बनिया रवे ताई साडे लोक सुखीए।